हमारे स्थानीय लोक लाडले विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, दीपक सेठी जी सीओ एमडी जेसीबी, श्री प्रतीक कुमार जी एमडी विप्रो, श्री अजिताभ शर्मा जी प्रमुख शासन सचिव उद्योग, श्री सीताराम गणेशन जी प्रेसिडेंट विप्रो हाइड्रोलिक एवं मेरे सामने बैठे सभी इस विप्रो हाइड्रिक प्लांट के अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी मेरे भाई और बहनों, हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम सब हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र में काम करने वाले कॉरपोरेट समूह हैं और विप्रो का हाइड्रोलिक प्लांट जो शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से एक जयपुर के अंदर नई शुरुआत की है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। क्योंकि आने वाला समय हाइड्रो सिलेंडरों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला है और आज भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, अर्थ मूविंग का हो, यूटिलिटी का हो, लिफ्टिंग का हो, शिफ्टिंग का हो, कृषि का हो, पान की हो, खनन का हो, जैसे अनेक क्षेत्रों में हाइड्रोलिक सिलेंडरों की आवश्यकता हो रही है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ये आवश्यकता आगे बढ़ने वाली, आगे आने वाले समय में ये निश्चित रूप से आवश्यकता बढ़ेगी। और ये मैं अजीम प्रेम जी से कहना चाह रहा हूं, ये उधर दक्षिण की तरफ तो काफी आपके प्लांट हैं, लेकिन आपने एक राजस्थान के अंदर ये प्लांट लगाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हाइड्रोलिक सिलेंडरों की देश और विदेश में बढ़ती मांग पूरी करने के लिए विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर ने नया संयंत्र स्थापित राजस्थान में लगाया, इसके लिए मैं विप्रो का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ विप्रो का जो हाइड्रिक प्लांट लगा है, जैसा मैं कह रहा था, उत्तर भारत में ये कंपनी का पहला प्लांट है। इस हाइड्रो प्लांट के जरिए विप्रो प्रदेश की प्रगति और प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने का काम तो करेगी, लेकिन विभिन्न उद्योगों में हाइड्रोलिक की मांग तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस संयंत्र का विस्तार भी आपको करना पड़ेगा। एक कारपोरेट समूह के रूप में विप्रो की देश और दुनिया में प्रतिष्ठा है। आजादी से पहले 1945 में आपका सफर शुरू हुआ था और आज आईटी इंजीनियरिंग एफएमसीजी क्षेत्र में विप्रो एक मजबूत कंपनियों में शुमार होती है। इसका पूरा श्रेय अजीम प्रेम जी को जाता है। आप देश के जाने माने उद्योगपति तो हैं ही, साथ में आप दानदाता भी बड़े हैं, समाज सेवियों में भी आपका नाम है और समाज से भी जहां आवश्यकता होती है और आपको लगता है कि ये क्षेत्र कमजोर है, हमेशा आपने उस क्षेत्र में समाज सेवा करने का काम किया है। आपको विरासत में वनस्पति तेलों का तेल का कारोबार मिला था, लेकिन आपने अपनी दूरदर्शिता और कारोबारी समझ की बदौलत
वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट को विप्रो जैसा प्रतिष्ठित ब्रांड भी आपने बना दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। अजीत प्रेम जी साहब ने विप्रो का 53 साल तक नेतृत्व किया, तभी विप्रो आज इस मुकाम पर पहुंची है। और मेरे को जब निमंत्रण देने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि अजीम प्रेम जी आएंगे लेकिन वो आप कार्यक्रम में आओगे तो वो आएंगे।